हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। वेलकम टू माय चैनल एडिटिंग विद मनी। आज की वीडियो में जो भी आपने प्रीव्यू देखा है, इस तरह की मल्टी फ़ोटोज़ का बर्थडे स्टेटस जो वीडियो है वो आपने कैसे बनाना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने देखना है ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो इस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। आज की वीडियो हम करने वाले हैं एडिट काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। आपने सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आपने इसमें कोई स्टेप मिस नहीं करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने चले जाना है क्रिएट न्यू पर। आपने यहाँ पे जाके ये सेकंड वाला 9:16 वाला फ्रेम जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ये सबसे ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी इमेज असेस्ट, ये वाली आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने ये लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, ये मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ से आपने एक PNG यहाँ पर ऐड करना है। तो इसका लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से आपने ऊपर साइड पे जो स्पीड की ऑप्शन है ऊपर ये वाली, इस पर आपने क्लिक करना है और ये फुल स्क्रीन पे कर देना है, यह आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे फ्रेम्स बने हुए हैं, और आपने इसके अंदर अब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को ऐड करना है। आपने जाना है लेयर पर, उसके बाद आपने जाना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद आपने अपनी कोई सी भी फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपनी यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सी भी, जैसे कि ये मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा पहले छोटा करेंगे, जिस फ्रेम में भी आपने लगानी है फ़ोटो उसमें आपने रखना है, और यहाँ से आपको क्रॉपिंग की एक ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से आपने इसको क्रॉप करना है फ़ोटो को, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने ऐसे इसको लेकर आना है, दोबारा से आपने क्रॉप पे जाना है और इसको फ्रेम के साइज़ के मुताबिक आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद फ़ोटो को आपने यहाँ पर सेट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इतना रख लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यह आपको ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे टॉप पर, आपने इस पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद अब तो ये फ़ोटो गायब हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो फ़ोटो फ्रेम जो आप सेलेक्ट किया था इसको क्लिक करना है, और यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी नीचे ब्लेंडिंग की, आपने ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी नीचे स्क्रीन की, आपने स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है वो इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। अभी अगर आपका इसका साइज़ वगैरह आपने सेट करना हो, आप इसको फ़ोटो को दोबारा से सेट कर क्लिक करके इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। अगर आपका ये फ्रेम साइज़ छोटा है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं, और इसको जो फ़ोटो साइज़ है वो आप यहाँ से इसको ठीक तरह सेट कर सकते हैं, और दोबारा से क्रॉपिंग पे जाके आप अपने यहाँ से फ्रेम के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप छोटा दोबारा कर देते हैं। तो इसी तरह ही आपने यहाँ पे अपनी सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पर ऐड करना है, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये गोल वाली फ़ोटोज़ भी हैं, दिल वाली फ़ोटोज़ भी हैं। तो मैं अभी आपको एक और यहाँ पर फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं एक फ़ोटो और ऐड कर लेता हूँ। तो ये एक फ़ोटो मैंने अपनी यहाँ पर और ऐड कर ली है। तो इसको अब मैं यहाँ पर ऐसे छोटा करूँगा पहले, ठीक है। और अब ये हमने दिल की इसमें लगानी है शक्ल में, तो आपने इसमें क्रॉपिंग वाले में जाना है।
क्रॉपिंग पे जाने बाद आपको ऊपर एक मास्क की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने शेप पे जाना है, ये आपको दिल बना हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको पहले अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर बैक आके यहाँ पर दोबारा क्रॉपिंग पे जाना है। ये देखें, आपने इसको ऐसे ये दिल के अंदर ऐसे एडजस्ट कर लेना है, छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप बड़ा करके देख सकते हैं इसको। ये हमारी यहाँ पर जब फ़ोटो अभी सेट हो जाएगी तो आपने इसको भी जो है उसी तरह ही यहाँ पे 3 डॉट पे जाके सेंड टू बैक कर देना है। करने के बाद आपका ये जो फ्रेम साइज़ है, ये देखें आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारा फ़ोटो है, ये देखें दिल के अंदर बहुत आसानी के साथ और अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरह ही ये आपने जितनी आपका ये फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, आपने अपनी सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमने ये अपनी सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर ली हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम के अंदर मैंने अपनी सारी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली हैं। जो ये स्टेप है आपका, आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये पहले से करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको फटाफट से दिखा दिया है। आपने इसको तसल्ली के साथ, आराम के साथ बैठ के करना है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, आपने बाहर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये देखें, आपने इस पर क्लिक करना है और कैप्चर एंड सेव करके, ये देखें कैप्चर हो गए हमारे गैलरी के अंदर, ये जो फ़ोटो फ्रेम है ये सेट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा से क्रिएट नाउ न्यू पे चले जाना है। उसके बाद आपने दोबारा से यही सिलेक्ट करना है फ्रेम। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ से एक ब्लैक कलर का वॉलपेपर सेलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, समझने की बात है, ध्यान से देखिएगा। इसको आपने जितना स्टेटस रखना है आपने उतना रखना है इसको, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन। तो मैं इसका स्टेटस जो है वो 20 सेकंड चाहता हूँ कि रखूँ। तो मैं इसको यहाँ पर, ये ऊपर टाइम आ रहा होता है, ये देख सकते हैं आप सेकंड वाला, ये मैं इसको 20 सेकंड पे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा 20 सेकंड का स्टेटस ड्यूरेशन सेट हो चुकी है। इसके बाद आपने स्टार्टिंग में आना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से वही सिलेक्ट करना है अभी फ्रेम जो आपने कैप्चर किया था। इसके बाद आपने इसको हाथ से ऐसे ड्रैग करना है ऐसे ऊपर पहले, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे सेट करके ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आना है, पूरे फ्रेम में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपने स्टेटस बनाना है 20 सेकंड का। तो जो हमने आप ये पहली फ़ोटो आपने ऐड करनी है उसको आपने स्टेटस जितना आपने रखना है उससे हाफ साइज़ में इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने 20 सेकंड का बनाना है तो मैं ये पहली फ़ोटो को यहाँ पर 10 सेकंड पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये 10 सेकंड पे मेरी यहाँ पर जो फ़ोटो है एडजस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये फ़ोटो के स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग के आने के बाद आपने यहाँ से, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है की वाली, आपने इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपने इसको ऐसे फिंगर से ऐसे ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि ये आपको बीच में रेड लाइंस वगैरह नज़र आ रही होंगी। जब आपने इसको छोड़ना है तो रेड लाइंस आपकी यहाँ पर होनी लाजमी है, ठीक है। रेड लाइंस के बगैर आपने इसको ड्रैग नहीं करना। तो ठहरे, मेरा तो थोड़ा ख़राब हो गया, इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसको ये करना है चाबी के निशान पर और यहाँ से आपने इसको ऐसे ड्रैग करके लेके जाना है ऊपर। जब आपने इसको छोड़ना है तो ये रेड लाइन पे होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा ले कर जा रहा हूँ ऊपर। जब मैं छोड़ूँगा इसको तो ये रेड लाइन होनी चाहिए। मैं इसको बहुत तसल्ली के साथ कर लेता हूं, आप भी कर लीजिएगा। तो ये मैं इसको थोड़ा सा और ले जाता हूं, ये देखें, ठीक है। तो इसके बाद अभी आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं।
अभी मैंने प्ले किए तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ़ोटो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड कर रही है ऊपर वाली साइड पे। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही इसको फॉलो करना है। इसके बाद आपने स्टार्टिंग पे आ जाना है, दोबारा से आपने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने दोबारा से यही वाली फ़ोटो जो कैप्चर की थी इसको यहाँ पर ऐड करना है। इसी तरह ही आपने इसको सेम प्रोसीजर इसको यहाँ पर आपने ऊपर ला कर इसको ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब जो नीचे वाला जो फ़ोटो है आपका जो अब आपने ऐड किया है इसको आपने ड्रैग करके लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। यह आपने लास्ट तक लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके मिड में आ जाना है, ऊपर वाला पहले आपने सेलेक्ट करना है, इसके लास्ट में आके आपने नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेना है, ये पॉइंट पर आ जाएगा। इसके बाद आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है चाबी वाले पर और आपने ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी प्लस वाली, इधर आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका जो एक बीट है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में आने के बाद आपने इसको अब नीचे वाली साइड पे ड्रैग करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं मैं इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग करूँगा आस्ता आस्ता से। नीचे वाली साइड पे आपने ड्रैग करना है और जब आपने छोड़ना है इसको तो रेड लाइंस होनी लाजमी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। रेड लाइंस के बगैर आपने इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका जो डायरेक्शन है वो ख़राब हो जाएगी सारी। तो ये देखिए मैं अब इसको राम राम से नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो इसको मैं फुल नीचे तक ले आता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारी जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये हमारी बहुत स्मूथ तरीके से इस तरह जो है ये स्लाइड कर रही है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इसके लास्ट में, ठीक है। इसके लास्ट में आगे आपने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गैप सा देना है इधर इधर, और इसके बाद आपने अब फ़ोटो को ऊपर वाली साइड के ऊपर ड्रैग करके लेके जाना है, ठीक है। ये देखें आप, जब आपने इसको छोड़ना है तो रेड लाइन होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह से ऐसे ऊपर साइड पे ले जाते हैं। तो इतना करने के बाद अभी आपको मैं थोड़ा सा दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा से इस सेंटर पॉइंट पे आ जाना है इसके, ठीक है। और यहाँ पर आपने दोबारा से लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपने दोबारा से मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपने दोबारा से यही कैप्चर को ऐड करना है, आपने लास्ट में रखना है ऊपर और इसको ऐसे करके ड्रैग करके सेट कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको ड्रैग करके ऐसे लास्ट तक ले जाना है, लास्ट तक ले जाने के बाद आपने इसको यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और इसको वही चाबी वाला निशान पे क्लिक करना है और लास्ट में जाके आपने ये ऊपर से ये प्लस वाले पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आके इसको अब आपने नीचे वाली साइड पर ड्रैग करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत आराम आराम से तसल्ली के साथ कर रहा हूँ, आप ज़रा और ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, कहते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लिया है। तो अभी मैं आपको एक दफ़ा पूरी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी तक हमारा ये देखें कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है वो ऊपर वाली स्लाइड ड्रैग हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें आप पूरी वीडियो में जो है आपको एक पूरा ये स्टेम तैयार हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैंने फिर भी थोड़ा सा तेज़ किया है, आप लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ इसको करना है।
तो इसके बाद हम अब आ जाएंगे स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग पे आने के बाद अब आपने यहाँ से दोबारा से लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है। इसके बाद आपने एक और यहाँ पर PNG ऐड करना है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, इसको आपने यहाँ से ऐसे लेकर आना है सेंटर में और ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर आप जितना भी जहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ पे भी रखना चाहें आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर इस टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको भी ड्रैग करके ऐसे लास्ट तक ले जाता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा से लेयर पर जाना है, मीडिया पे जाना है और दोबारा से एक यहाँ पर आपने PNG को ऐड करना है। इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखें हमारा ये हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेना है। पहले आपने यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी मल्टीप्लाई की, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसको आपने ऐसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो इसको सेट करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है ये हमारा पूरा एडजस्ट हो चुका है लास्ट तक, तो हमें अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये नीचे है, ये देखें ये बर्थडे वाला, इसको भी आपने ऐसे ड्रैग करना है लास्ट तक और इसको यहाँ तक ले आना है। अभी इसके अंदर साउंड है तो मैं इसका जो साउंड है वो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ। यार इसका साउंड, चलें खैर इसका साउंड नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी आपने क्या करना है, आपने आ जाना है स्टार्टिंग पे। आपकी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह से इस टाइम रेडी हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर डालना है हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग या कोई भी जो भी आपको पसंद हो। आपने वीडियो के स्टार्ट में आना है, वीडियो के स्टार्ट में आके आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी सॉन्ग्स की, यहाँ पर आपने चले जाना है सॉन्ग्स पर और ये आपके जो फोल्डर के अंदर जितने सॉन्ग्स होंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके आशो हो जाएंगे। आपने कोई भी जो उसमें ऐड करना है यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो सॉन्ग है वो इस टाइम ऐड हो चुके जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट पे आके जो सॉन्ग बाहर निकल रहा होगा उस पर कट करके उसका जो ट्रिम कर देना है लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग है हमारा, ये ऊपर से आपको कैंची वाला बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे, आपका एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारा ये स्टेटस एकदम से तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने कुछ खास करना नहीं है, ऊपर से जाना है, इसको सेव करना है, सेव एज वीडियो। यह आपकी जो वीडियो तैयार हो चुकी है ये आपकी गैलरी के अंदर इस टाइम सेव हो रही है। यार वीडियो इतनी ही है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो आप लोगों के लिए, तो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।